8 दिन से इस होटल में रह रहे हैं। पूरी दुनिया का टॉलेस्ट होटल है। क्रूज पे डिनर करने गया था। लेकिन वेट बहुत ज्यादा था। हमारी फ्लाइट है 10:50 पे और 8 बजे ही पे बज चुके। Hey guys, good morning, welcome back to my new vlog. मैं हूँ अभी दुबई में। आज मैं बहुत लेट उठा, 3 बजे उठा और अभी 4 बज गए हैं। और आज मेरा जहाँ पर लास्ट दिन, और देखते हैं लास्ट दिन में क्या होता है। और उसके बाद आपके लिए एक सरप्राइज है, वो इसी वीडियो के आखिरी में दूंगा। वीडियो पे बने रहना। So guys, मैं हो चुका हूँ रेडी और हम 8 दिन से इस होटल में रह रहे हैं, होटल जिवोरा में, जो वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का टॉलेस्ट होटल है, सबसे लंबा होटल है, सबसे ऊंचा। और हम आज तक इधर पूल में भी नहीं गए, 8 दिन से रह रहे हैं तो भी हम पूल में नहीं गए एक दिन भी। और आज सोच रहे हैं आज आखिरी दिन है और पूल की साइड कम से कम राउंड तो मार लें, देख तो लें पूल कैसा है। तो पूल देखने चलते हैं। मैं रेडी हो चुका हूँ, देखो कपड़े पहन लिए। जो ये खिलारा है इसको इग्नोर करना, क्योंकि हम लोग ऐसे ही, हम ऐसे ऐसे डाल के रहना बहुत पसंद करते हैं, ऐसे खिलारा डाल के। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं पूल की साइड, और ये वाला एरिया तो मैंने पहले देखा ही नहीं था होटल का। हम उधर ऊपर से देखते थे इसको, उधर ऊपर बिल्डिंग से, और आज इधर आने का मौका मिला। अभी हमने पूल देख लिया और अभी चलते हैं होटल के बाहर, बाहर जाके देखते हैं कहाँ जाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं मरीना वॉकिंग एरिया, वहाँ जाके देखते हैं कैसा माहौल है। अभी हम बैठ गए हैं कैब में और अभी जा रहे हैं मरीना। टैक्सी से उतर चुके हैं और मरीना वॉक पे आ गए। अच्छा लग रहा है यहाँ, बहुत अच्छा एरिया। मैं पहले भी आ चुका हूँ वैसे तो, जहाँ पहले मैं क्रूज पे डिनर करने गया था पिछली बार, तब आया था इधर। गाइज हमने जहाँ काफ़ी देर घूम लिया और अभी हवा कितनी चल रही है ना, अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल। उधर से मैंने बर्बरी से सन ग्लासेस देखने हैं, जाके देखते हैं अगर मिलते हैं कोई अच्छे, तो नहीं तो किसी और कंपनी के देखेंगे। इधर से चलते हैं, लास्ट दिन है वैसे भी, टाइम कम है, 9 दिन हो गए आए हुए इधर। तो गाइज हम वापस से कैब में बैठ गए, अभी चलते हैं सीधा दुबई मॉल और उधर जाके देखते हैं क्या मिलता है हमें। गाइज जो जहाँ कैब का मज़ा है ना, यहाँ की कैब शेख जायद रोड पे 120-30 पे चलती है कैब। अपने तो कैब वाले 80 से ऊपर जाते ही नहीं, लेकिन ये 120-130 ऐसे चलाते हैं, बड़ा मज़ा आता है यहाँ। और शेख जायद रोड पे तो बहुत ही ज़्यादा तेज चलती है, रोड भी इतना अच्छा है। गाइज हम आ गए हैं दुबई मॉल। गाइज अभी हमने थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा से इसने करनी थी, थोड़ा से शॉपिंग की और अभी चलते हैं बर्बरी। अभी हम बर्बरी स्टोर पे, इधर से मेरे को एक सन ग्लासेस अच्छी लगी और वो मैं ले रहा हूँ और उसके बाद चलते हैं कहीं खाते हैं। ये ले लिया हमने और अभी वो टैक्स रिफंड वाला कर रहे हैं, वो पासपोर्ट पे टैक्स रिफंड ले सकते हैं हम एयरपोर्ट पे, जो भी शॉपिंग करते हैं उसका टैक्स रिफंड मिल जाता है। गाइस अभी हम फिर से फूड कोर्ट ढूंढ रहे हैं, हम 3-4 बार इस बार आ गए, पिछली बार 5-6 बार आ गए दुबई मॉल में, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि है कहाँ। और फूड कोर्ट में भी जाके काफ़ी बार आ गए लेकिन बाद में हम गुम हो जाते हैं, मिलता नहीं।
और अभी फिर ढूंढ रहे हैं, फिर जाके कुछ खाते कैनेडा और यूएसए का ब्रांड है ये हमारा और गाइस हमने बैंडिट पे खा लिया है। फूड जो आया था फूड इसका ठीक था, बर्गर भी ठीक था, ग्रिल्ड बर्गर भी ठीक था, बीफ बर्गर भी ठीक था, लेकिन इनकी जो प्राइस थी ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी। गाइस अभी हम खाना खा के निकलेंगे और अभी देखने जा रहे हैं फाउंटेन शॉल के बैक साइड पे बुर्ज खलीफा के सामने। इधर से फाउंटेन शो चलेगा, बस अभी 10 बजने वाले हैं और फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। इधर खड़े अभी देखते हैं, मुझे देखो पीछे बुर्ज खलीफा। गाइस अभी हमने फाउंटेन शो देखी है और अभी चलते हैं दुबई मॉल के अंदर, फिर से दुबई मॉल के अंदर जाके कुछ पीते हैं। गाइस अभी हम फिर घूमते घुमाते पहुंच चुके हैं स्टारबक्स। गाइस अभी जो हमने स्टारबक्स से ऑर्डर किया था वो आ गया है, एक हॉट कॉफी साथ में स्ट्रॉबेरी एंड क्रीम और साथ में एक कॉफी। गाइस अभी हमने काफ़ी लिया है और अभी चलते हैं सीधा होटल, टैक्सी ढूंढते पहले जाके, पहले तो बाहर जाने का रास्ता देखते हैं कहाँ से निकलते हैं और फिर टैक्सी ढूंढते हैं और चलते हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं दुबई मॉल के बाहर, आज हम फिर से चल के होटल जा रहे हैं। चलते जाते जाते इतना पसीना आ जाता है मेरे को, सिर में बहुत पसीना आता है चलते जाते हुए, लेकिन चल के अच्छा लगता है मेरे को। जितना मर्जी मेरे को चला सकते हैं, मैं जितना मर्जी चल सकता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी दूर है चलने में दुबई मॉल मेरे होटल से, लेकिन चलते जाते मज़ा आता है। अभी बिल्कुल पास पहुँच चुके हैं होटल के। गाइस अभी हम आ गए हैं होटल के बाहर और आते हुए इंस्टाग्राम के लिए फोटोज और रील भी बना ली। अगर आपने मेरा इंस्टा नहीं देखा तो देखना, हैरी तक्कर 47 मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, अच्छा लगेगा तो फॉलो कर देना। अभी थोड़ी देर इधर बैठते हैं। गाइस अभी हम होटल में आ गए और थोड़ा ग्रोसरी स्टोर भी गए, वैसे तो ग्रोसरी पर ले थी, ऊपर से हमने जाना ही अभी, लेकिन ग्रोसरी भी कर ली थोड़ी, थोड़ा पीने पुने का सामान ले लिया और थोड़े चिप्स ले लिए। और अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद पैकिंग शुरू। जो पूरा जो खलारा डाला हुआ है हमने, ये पूरा हमें साफ करना पड़ेगा और बैगेज में डालना पड़ेगा। ऊपर से बैग भी काफी फुल हो गए होंगे और वेट भी हमारा 20-20 किलो वेट जाएगा और हमारा वेट ज्यादा ही हो गया होगा मेरे को पता है, और उसको मैनेज करना पड़ेगा। अब तो देखते हैं। गाइस अभी हम पैकिंग कर रहे हैं क्योंकि इधर से निकलना है दुबई से हमने, और सुबह के 3:30 हो चुके हैं। बस पैकिंग ऑलमोस्ट हो ही चुकी है, थोड़ी थोड़ी रह गई है और फिर वेट भी देखना है वेट कितना है। वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इधर अभी सामान पड़ा है और थोड़ा बैग रन भी हो गया। ये देखो बस फिर निकलना है। गाइस हमें पैकिंग करते करते, पैकिंग तो हो गई थी लेकिन वेट बहुत ज़्यादा था, उसको मैनेज करते करते सुबह के 8 बज चुके हैं
और हमारी फ्लाइट है दुबई से दिल्ली की, जो कि है 10:50 पे। आज 3 तारीख है और 10:50 पे हमारी फ्लाइट है और 8 यहीं पे बज चुके हैं और अभी जल्दी जल्दी हम जा रहे हैं। आज के लिए बस इतने, जो सरप्राइज था वो अगली वीडियो में दूंगा, अगले ब्लॉग में, और आप देखना जरूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं फिर।